हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स एंड आई एम योर मेंटर वैभव शक्तिदेव। पिछले सेशन में हमने फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स। तो वाइट लाइट जो है वो जैसा आप जानते होंगे कि 7 कंपोनेंट से बनी होती है, तो किस मेथड को यूज़ करके हम लोग उन 7 कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शंस थे हमारे पास, बाई पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म, बाई फिल्ट्रेशन, कांट बी सेपरेटेड, या बोथ ए एंड बी। तो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बनी होती है और इसे सेपरेट करने के लिए, इन 7 जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर जब प्रिज्म से हम वाइट लाइट को पास कराते हैं, तो ये मान लीजिए कि इंसिडेंट वाइट लाइट है, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है, मतलब उसके 7 कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो वाइट लाइट जो होती है, वाइट लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं विबग्योर, जैसा आप जानते होंगे, ठीक है। विबग्योर मींस वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो ये अपने 7 कंपोनेंट्स में अलग अलग सेपरेट हो जाती है, तो और ये इस ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। तो आप जैसा जानते होंगे कि विबग्योर ये जो है, तो विबग्योर में क्या होता है कि इस ऑर्डर में अगर आप आगे बढ़िएगा तो वेवलेंथ बढ़ती है, मींस रेड की वेवलेंथ इन 7 कलर्स में, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड से कम ऑरेंज की है, ऑरेंज से कम येलो की है, येलो से कम ग्रीन की है। तो इस ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ रही होती है। तो प्रिज्म के साथ ऐसा होता है कि जब वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो डेविएशन घटता है, अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो डेविएशन घटता है। तो इसी कारण क्या होता है कि रेड का क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसमें डेविएशन सबसे कम होता है, और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो चूंकि 7 कंपोनेंट्स जो थे उनके वेवलेंथ डिफरेंट थे और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही डेविएशन होता है, तो इस कारण से जब प्रिज्म से हम लाइट पास कराते हैं तो वो अपने 7 कंपोनेंट्स में अलग अलग, 7 कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, और जो लोएस्ट वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, और जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है वो सबसे कम डेविएशन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द रेटिना ऑफ द आई इज कॉम्पेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। मीन्स क्वेश्चन में ये है कि एक कैमरा जो होता है, तो अगर हम रेटिना को कंपेयर करें, जो हमारी आंख का रेटिना होता है, तो वो कैमरे के किस पार्ट से सिमिलर है। तो ऑप्शन है फिल्म, लेंस, शटर और कवर। तो रेटिना जो होता है आंख का, रेटिना पे ही इमेज बनती है। कभी भी जो हम लोग सामने से इमेज लाइट आती है तो उसकी जो इमेज हमारे आंख में बनती है वो रेटिना पे जाके बनती है कभी भी, और कैमरा में भी इमेज कहाँ पे बनती है, कभी भी फिल्म पे बनती है इमेज। लेंस पे तो क्या कहते हैं, लेंस के थ्रू लाइट पास करती है, शटर तो आउटर साइड का कवर है, शटर और कवर, तो फिल्म पे ही इमेज बनती है कैमरा में, और आँख में रेटिना पे इमेज बनती है। तो किस तरह से रेटिना पे इमेज बनती है, ये देखिए, अगर ये एक आप मान लीजिए कि एक आँख की अगर तस्वीर है, तो सबसे बाहरी जो सरफेस होता है वो है कॉर्निया, यहाँ से लाइट पास करती है, ये हमारा ब्लैक पार्ट जो होता है उसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। आयरिस जो है वो प्यूपिल को मतलब छोटा या बड़ा करता है, उसके बाद आता है लेंस, और इस लेंस से लाइट पास होके लास्ट में होता है आँख के सबसे पीछे वो रेटिना, यहाँ पे इमेज बनती है। तो इमेज बनती है रेटिना पे, इसीलिए रेटिना को हम लोग फिल्म के सिमिलर मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जिसके जो सामने हमें फिलामेंट दिखता है जिसके थ्रू हीट मतलब रिलीज होती है और उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है, तो फिलामेंट जो है वो किससे बना होता है। ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, लीड और टंगस्टन। तो क्योंकि जो आपका जो क्या कहते हैं फिलामेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा हीट पास करती है कभी भी, तो एक ऐसा मेटल होना चाहिए, जो कि बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ताकि अगर उसमें ज़्यादा हीट भी पास करे तो भी वो मेल्ट ना करे। तो ऐसा जो मेटल होता है वो होता है टंगस्टन। इसीलिए हमारे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें हीट पास करती है,
तो ताकि वो मेल्ट ना हो फिलामेंट कभी भी, इसलिए एक ऐसे मेटल से बनाते हैं जिसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, और इसके लिए टंगस्टन यूज़ होता है। तो बल्ब का टंगस्टन, बल्ब में फिलामेंट की तरह टंगस्टन को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिरर इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स? तो जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें रियर व्यू मिरर की तरह किस तरह के मिरर को यूज़ करते हैं? तो रियर व्यू मिरर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है शेप। तो कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि अपर्चर बड़ा हुआ तो वो दूर दूर से जो लाइट पड़ रही होगी उसको लेके इमेज बना देगा कभी भी, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर क्योंकि जब कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट पास आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और उल्टे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी। तो देखिए लाइट्स जो है जो पड़ने के बाद वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो रियर व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द रीजन ऑफ मिराज। अब मिराज क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो कभी कभी जब आप लोग गर्मी में बाइक से या फिर गाड़ी से ट्रैवल करें हो करेंगे रोड पे, जब खाली रोड होती तो एक दूरी पे हमें दिखता है जैसे कि रोड पे कुछ पानी के जैसा है, तो उसी वो क्या होता है, एक वो इल्यूजन होता है, वहाँ पे सच में कोई पानी नहीं होता, एक वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, तो उसी ऑप्टिकल इल्यूजन को मिराज बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मिराज का रीजन क्या है, किस कारण से मिराज बनता है? तो इसके ऑप्शंस में है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो मिराज है, मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बनता है। एक फैक्चुअल पॉइंट है, इसे याद रखना है कि जो मिराज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बनता है। ऐसा होता है कि जो ग्राउंड होता है, हमारा ग्राउंड होता है, तो गर्मी में वो ग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा हीट होने के कारण जो ग्राउंड के ठीक ऊपर की एयर है, मान लीजिए ये जो इतनी दूर की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी कंपैरिजन टू इस एयर के, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, मतलब वार्म हो जाएगी, और ये कंपैरेटिवली कोल्ड होगा। तो क्या होगा कि दो एक तरीके से डिफरेंट लेयर्स हो गई। तो जब लाइट पास करेगी, जब लाइट यहाँ आएगी, तो उसको अब दो मीडियम से जाना पड़ेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इस रिफ्लेक्शन होने के कारण हमें लगेगा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक पानी जैसा कुछ मतलब हमें लगेगा कि वहाँ पर है, उसे ही कहते हैं मिराज। तो मिराज इसीलिए गर्मी में प्रोड्यूस होता है क्योंकि एयर जो है बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है जो ग्राउंड के बगल की है, और ऊपर की वो थोड़ी ठंडी रहेगी कंपैरिजन में। तो मिराज का रीज़न जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, द रीज़न ऑफ मिराज इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन समर एयर नियर द ग्राउंड इज हॉटर एंड हेंस रेयरर। रेयरर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब वार्म एयर होगी तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसीलिए उसको रेयरर बोलते हैं। और इसके कारण ही हमारा क्या कहते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि दो एक तरीके से डिफरेंट लेयर्स हो जाएंगे और इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मिराज प्रोड्यूस होता है। अगला एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर टू हेयर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी, मीन्स एक इको को क्लियरली सुनने के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इको को कभी भी क्लियरली सुनने के लिए 16.5 फीट की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, सॉरी 16.5 मीटर्स की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए इको को क्लियरली सुनने के लिए, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक जो कट डायमंड होता है, मतलब तराशा हुआ जो एक हीरा होता है, वो स्पार्कल क्यों करता है? कभी भी कोई भी चीज़ स्पार्कल क्यों करती है? स्पार्कल इसलिए करती है क्योंकि उसके सरफेस से बहुत ज़्यादा ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो इसका आंसर होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए है क्योंकि डायमंड का, मान लीजिए एक डायमंड का पार्टिकल, मतलब कि डायमंड का कट डायमंड है ये, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और किसी भी सब्सटेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लीजिए लैम्डा बोलते हैं,
तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत हाई होता है. मीन्स एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, द रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. तो इसलिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है डायमंड से, तो वो भी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए स्पार्कल करता है डायमंड. सो कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बटर पेपर. बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. मीन्स एक पेपर जिसमें बटर लगा हुआ है वो किस टाइप का, या बटर पेपर आप समझते होंगे. मीन्स बटर पेपर, पेपर पे बटर लगा हुआ मान लीजिए, या फिर बटर पेपर भी आता है उसी टाइप का, तो वो दोनों सिमिलर जैसे हो लगते हैं इसलिए उसका नाम बटर पेपर होता है. तो वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है या ल्यूमिनस है. ट्रांसपेरेंट तो वो होता है जिसके आर पार क्लियर दिखे, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है. ल्यूमिनस वो होता है जो लाइट एमिट करे, जिसकी अपनी लाइट हो वो ल्यूमिनस भी इसलिए नहीं है. ओपेक होता है जिसके आर पार कुछ ना दिखे, तो ओपेक भी नहीं है. तो ये होता है ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट मतलब कि क्लियरली नहीं दिखता है आर पार, लेकिन हाँ दिखता है. तो बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन जो है वो सोनार से रिलेटेड है. द स्पेशल टेक्निक यूज्ड इन शिप्स टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशन बेड्स इज. मींस ओशन बेड की डेप्थ को मान लीजिए कि ओशन है, ये पानी है, नीचे कहीं ओशन बेड होगा, मींस अंतिम ओशन का लेयर जहाँ से अर्थ शुरू हो जा रहा है वापस में. तो इसकी हाइट को, इसकी डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं सोनार. सोनार टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं इस डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए, ओशन बेड की डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए. सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो सोनार की मदद से क्या होता है कि हम एक डिवाइस होती है मान लीजिए, यहाँ से हम साउंड रेज भेजते हैं मान लीजिए, तो साउंड यहाँ पे गया, ठीक है, तो हमें साउंड की स्पीड पता है, एस स्पीड पता है, जब वो टकराएगा तो हमें आवाज़ आएगी, टाइम पता है टी कितने देर बाद टकराया, तो हम इस स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके इजीली डिस्टेंस निकाल लेते हैं सोनार को यूज़ करके. तो सोनार यूज़ होता है, सोनार के यूज से हम लोग क्या करते हैं, ओशन बेड की डेप्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं. अगला क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एन ऑयली फ्लोर बिकॉज. मतलब किसी भी तलीय फर्श पर चलना क्यों मुश्किल होता है, ऑयली फ्लोर पर चलना क्यों मुश्किल होता है. देखिए चलने में हमारा सबसे ज़्यादा कुछ कोई मदद करता है तो वो होता है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की मदद से ही हम चल पाते हैं, क्योंकि तो अब क्या होता है, ऑयली फ्लोर पे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, तो इस कारण से चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो ऑयली फ्लोर पे चलना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है. अगला क्वेश्चन है, अ मैच स्टिक स्ट्रक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेज फायर इजिली बिकॉज. मीन्स एक मैच बॉक्स पे जब हम माचिस की तीली लगाते हैं तो आग क्यों लग जाती है. तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन का फेनोमिनन ही लग रहा होता है, क्योंकि जो तीली होती है और जो हमारे माचिस की डिब्बी का जो सतह होती है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत हाई होता है. तो कभी भी फ्रिक्शन अगर बहुत हाई होगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा. आप अगर बाइक भी चलाते हैं तो जो बाइक का हमारा ब्रेक होता है वो हमारे टायर से सटता है, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है कभी भी, क्योंकि फ्रिक्शन अगर लग रहा होगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही होगी, तो गर्म हो जाता है चीज, हो जाती है चीज़. तो इसीलिए बहुत हाई फ्रिक्शन होता है हमारी तीली और माचिस के डिब्बी के बीच में, जिसकी मदद से आग लगती है. तो मैच स्टिक स्ट्रक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेस फायर इजली बिकॉज फ्रिक्शन में कॉज फायर, किसी केमिकल रिएक्शन की मदद से नहीं होता, ये फ्रिक्शन की मदद से होता है. ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स आर सब्सटेंसेज विच. ल्यूब्रिकेंट्स क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन के ही रिलेशन में क्वेश्चन है. ल्यूब्रिकेंट्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं, नहीं आग लगाने के काम आते हैं, नहीं फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. हाँ फ्रिक्शन को ल्यूब्रिकेंट्स रिड्यूस करते हैं, इसलिए हमेशा बाइक्स या ऐसी ज़्यादा जगहों पे जहाँ पे दो सरफेस एक दूसरे पर मूव कर रहे हो, वहाँ पे हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन थोड़ा कम हो सके. फ्रिक्शन ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा ना हो, एक ऑप्टिमम लेवल पे हो, तो ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं. अगला क्वेश्चन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन टू रोलिंग फ्रिक्शन. मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन बताना है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है. तो रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में अंतर क्या हुआ, देखिए मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है,
और ये एक दूसरी बॉडी है, ये एक दूसरी, ये इस पे चल रही है, ये मान लीजिए स्टेशनरी थी, तो क्या हो रहा है, ये स्लाइड कर रही है, ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन के मान लीजिए एक ये सर्कुलर बॉडी है, ये इस पे मूव कर रही है, तो ये क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो क्या होगा कि देखिए, जब बॉडी स्लाइड कर रही है, ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कर रहा है, तो ज़्यादा सरफेस इसके कांटेक्ट में आ रहा है इस नीचे वाले सरफेस से। और सेम इस केस में क्या हो रहा है कि इस बॉडी का कम सरफेस इससे कांटेक्ट में आ रहा है। तो जितना कम सरफेस कांटेक्ट में आएगा, उतना कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसको अगर हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, तो क्योंकि कम सरफेस कांटेक्ट में है, तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये जो ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाई फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स होती हैं, उनके द्वारा भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होता है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रैग कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, कि फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होता है, उसको ड्रैग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ बोट और एन एरोप्लेन हैज अ पॉइंटेड और अ टेपरिंग फ्रंट और हेड, वाई? मीन्स एक जो नाव या हवाई जहाज होता है, उसका जो मुंह होता है, कभी भी वो मुंह या हेड जो बोले, उसका वो जो हेड होता है, वो नोकीला होता है कभी भी। वैसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है ताकि, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के केस में, तो मुंह अगर जब नोकीला होने के कारण क्या होता है कि सामने की एयर से कम सरफेस कांटेक्ट में आता है। अगर उसका मुंह स्क्वायर शेप पे रहेगा, तो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा सामने की एयर से, तो फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अगर उसका मुंह सीधा होगा। लेकिन अगर उसका मुंह नुकीला होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस जो कांटेक्ट में आ रहा है वो कम है। तो इसीलिए टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड, मीन्स ये बोट के केस में होगा कि फ्लूइड मीन्स पानी में चल रहा है वो, तो पानी के सरफेस से कम कांटेक्ट में आएगा उसका फ्रंट, तो इसलिए हम लोग उसका, और सेम चीज़ एरोप्लेन में एयर के साथ होती है, ठीक है। तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, अ बोट और एन एरोप्लेन हैज अ पॉइंटेड और टेपरिंग फ्रंट हेड। अगला क्वेश्चन है, द सोल ऑफ द शूज बिकम्स प्लेन आफ्टर वेयरिंग इट फॉर सेवरल मंथ्स, वाई? जो शूज़ का जो सोल होता है, वो बहुत दिनों तक पहनने के बाद तलवा जो होता है वो सपाट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन लगातार फ्रिक्शन फोर्स लगा होता है। ये मान लीजिए हमारा जूता था, तो हमारा ये जो सरफेस है, ये घसता जाता है जूते का, और धीरे धीरे वो समतल हो जाता है, वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण घिसना। द सोल ऑफ द शूज बिकम्स प्लेन आफ्टर वियरिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में क्या यूज़ करते हैं? तो ट्रांजिस्टर जो होता है, वो ट्रांजिस्टर के बारे में जान जाइए, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, सर्किट्स में, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। और ट्रांजिस्टर्स जो हैं, वो कभी भी वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स के बने, सेमीकंडक्टर्स के बने, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट्स में यूज होते हैं, और वो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। तो फैब्रिकेशन में सिलिकॉन यूज होता है। इन तीन चारों में ऑप्शन ये था कि सिलिकॉन जो था वो एक सेमीकंडक्टर है, बाकी जो है वो सेमीकंडक्टर नहीं है, ठीक है। इसीलिए ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में सिलिकॉन का यूज होता है। द फैब्रिकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द ट्रांजिस्टर दैट इज यूज्ड इन, जैसे मैंने बताया, ट्रांजिस्टर के लिए को क्रिएट करने का ही प्रोसेस है फैब्रिकेशन। और ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसलिए ट्रांजिस्टर्स के फैब्रिकेशन में प्योर सिलिकन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, या जर्मेनियम को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि ट्रांजिस्टर्स में को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एनर्जी रिलीज्ड, मीन्स इन चारों प्रोसेस में से किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन या एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेशन।
तो हमारी बॉडी में देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तो हम एयर को इनटेक करते हैं, पहला ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, दूसरा क्या होता है उस ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में हमने जो भोजन लिया होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डीकॉम्पोज होता है, वो डीकॉम्पोज होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारा भोजन है वो उसी जो ऑक्सीजन में डीकॉम्पोज होता है उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी का हम काम करने में यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को भी रेस्पिरेशन ही कहते हैं। मीन्स हमारे हमारा जो भोजन है वो जो डीकॉम्पोज होता है एनर्जी, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है हम इसे यूज़ करते हैं, तो रेस्पिरेशन ही प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रेशर कुकर वर्क? ठीक है, प्रेशर कुकर वर्क कैसे करता है? तो हीट के नॉट एस्केप फ्रॉम द प्रेशर कुकर ऑप्शन है, ठीक है। लो प्रेशर इनसाइड द कुकर राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, हाई प्रेशर इनसाइड द कुकर राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या स्टीम इनसाइड द कुकर मेक्स द फूड टू कुक विथ ईज। देखिए प्रेशर कुकर बेसिकली क्यों यूज होता है? प्रेशर कुकर इसलिए यूज होता है कि मान लीजिए कि ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, तो प्रेशर कुकर इसलिए यूज होता है, जस्ट सेकेंड, हाँ, तो प्रेशर कुकर का बेसिकली यूज क्यों होता है? तो प्रेशर कुकर का बेसिकली इसलिए यूज होता है कि प्रेशर कुकर के कारण क्या होता है कि अंदर एयर की प्रेशर ज्यादा होती है, जिसके कारण वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है कभी भी, ठीक है। अगर जब प्रेशर कभी भी जब इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो कुकर के अंदर क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अब पानी के बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज करने से फायदा क्या होता है? तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज करने से ये फायदा होगा कि अब जो पानी है हमारा वो ज्यादा टेम्परेचर तक बॉयल नहीं होगा, तो पानी उसी फॉर्म में ज्यादा हीट कंटेन करेगा और वो हीट जो हमने चावल या जो भी रख रखा है उसमें उसको पास कर जाएगा। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा था 100 डिग्री पे ही, लेकिन अब मान लीजिए वो 100 डिग्री नहीं 110 डिग्री पे स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो 10 डिग्री टेम्परेचर एक्स्ट्रा हमारे राइस के पास जाएगा। इसलिए हम लोग कुकर का यूज करते हैं, जिसके कारण, और इसलिए क्योंकि हाई प्रेशर इनसाइड द कुकर राइजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। क्यूरी नाम यूनिट का इसलिए पड़ा है, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए क्यूरी यूनिट यूज होती है। क्यूरी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को, सो क्यूरी इज द एक्टिव यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। सन की एनर्जी की का सोर्स क्या है? क्वेश्चन ये है, तो ऑप्शन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन या थर्मोआयोनिक एमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन मींस क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के दो मान लीजिए कि एटम्स क्या होते हैं, कोलाइड करके मिलके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इवन न्यूक्लियर फिशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो सन के एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यूक्लियर फिशन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन सोर्स है सन की एनर्जी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज, देखिए क्वेश्चन है ऑप्शन से इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। नेचर की थ्री बेसिक फोर्सेज में से एक है, पहला है न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये नेचर की तीन बेसिक फोर्सेज हैं, जिसमें से कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसके बाद वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगभग एक ही चीज़ हैं, दोनों एक दूसरे से ही इंड्यूस होती हैं, ठीक है, तो इन्हें अलग अलग मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू होती है तो वह है न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये तीनों जो है बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होती है, उससे कम इलेक्ट्रिकल फोर्स, और सबसे कम स्ट्रांग होती है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज, हैवी वाटर को
को किस लिए यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो हैवी वाटर इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर का देखिए यूज क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर से ही हम लोग एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से ही एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बनते हैं। इनमें अंतर क्या होता है कि बॉम्ब्स के केस में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है, और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो कंट्रोल करते कैसे हैं, कंट्रोल हम लोग मॉडरेटर के थ्रू करते हैं। तो ये जो मॉडरेटर होता है वो हैवी वाटर होता है। वो मॉडरेटर क्या करता है, वो जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स जो कि बॉम्बार्ड करते हैं यूरेनियम को, उनको स्लो डाउन कर देता है कभी भी, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि हमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चाहिए, तो हम लोग एक हैवी वाटर का यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर, ताकि न्यूट्रॉन्स जो है वो स्लो डाउन हो सके और हमारा जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड रहे और एनर्जी प्रोड्यूस हो, न्यूक्लियर बॉम्ब के वो उसमें कन्वर्ट ना हो। इलेक्ट्रिक, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो के कारण क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ फ्यूज वायर, जो हमारे घर में मान लीजिए स्विच बोर्ड होता है उस पर फ्यूज लगा होता है, तो उसको उसके वायर को फ्यूज वायर कहते हैं। तो फ्यूज वायर का नेचर क्या होता है, ऑप्शन है लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी या नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है कि ये होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका करेक्ट आंसर है लो मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए कि अगर हल्का सा भी ज़्यादा क्या कहते हैं करंट उसके थ्रू पास करे तो वो क्या कहते हैं मेल्ट करके टूट जाए। देखिए एक आपको फॉर्मूला होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल के थ्रू जब वो करंट पास कर रहा होता है तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। मान लीजिए कि एक ये कंडक्टर है या एक मेटल है, इसके थ्रू करंट पास कर रही है आई, इसका रेजिस्टेंस है आर, और टी अमाउंट के टी टेम्परेचर पे पास कर रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी भी जब करंट पास करती है किसी भी मेटल के थ्रू तो हीट प्रोड्यूस होना ही होना है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होना ही होना है। तो इसलिए हम फ्यूज वायर का एक ऐसा मेटल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, तो हल्का सा ही नॉर्मल करंट से ज्यादा करंट होगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट का मेटल या वायर यूज करते हैं, किसमें, फ्यूज वायर में, ताकि वो मेल्ट जल्दी हो सके, क्योंकि जैसे ही हीट एक नॉर्मल से ज्यादा होगी तो वो मेल्ट कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक यूज क्या है, डीसी टू एसी, या फिर एसी वोल्टेज को कम करने और बढ़ाने के लिए, एसी टू डीसी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए एसी टू डीसी, या ये वाला जो ऑप्शन एसी टू डीसी है, तो इन्वर्टर का यूज़ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मोटर होता है, और ट्रांसफार्मर का ये काम होता है कि वो एसी वोल्टेज को बढ़ा या घटा के देता है। ऐसा होता है मान लीजिए कि जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन हमारा बहुत हाई वोल्टेजेस पे होता है, और जब हमारे घर में वो लाइट आती है तो मान लीजिए कि 220 वोल्ट पे ही आती है, ठीक है, जबकि जो ट्रांसफार्मर होगा जो हमारे पोल पे होगा वहाँ पे वो लाइट हो सकता हो 2000 वोल्ट पे आ रही हो। तो इस ट्रांसफार्मर का काम होता है इसको 2000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना। तो ट्रांसफार्मर इज यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से टंगस्टन से ही है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट की तरह यूज होता है। सो टंगस्टन इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स, जैसा हमने बात किया था, टंगस्टन इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि वो मेल्ट ना करे, इसी कारण इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब से ही रिलेटेड, कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन गैस का यूज क्यों करते हैं। तो नाइट बल्ब में हम लोग, ये मान लीजिए कि फिलामेंट है, तो बल्ब में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन गैस इसलिए फिल कर देते हैं ताकि जो हमारा फिलामेंट है वो सेफ रहे, उसकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है।
क्योंकि ऐसा क्या ऐसा होता है कि जब नाइट्रोजन या आर्गन गैस यहाँ पे डाल देते हैं तो फिलामेंट जो है वो, क्योंकि बहुत हीटिंग हो रही होगी फिलामेंट की, तो इनके प्रेजेंस में वो इवापोरेट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं लाइफ बढ़ाने के लिए, कभी भी लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन गैस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इन द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, जो हमने हमने पहले ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में बात की थी डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, जब एक प्रिज्म के थ्रू हमने लाइट को पास कराया था तो वो अपने सातों कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो गया था, वो अपने सातों कंपोनेंट्स में देखिए डिस्पर्स हो गया था जब प्रिज्म के थ्रू हमने लाइट पास कराई थी। और हमने बताया था कि विबग्योर जो यहाँ विबग्योर में क्या होता है, इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती, मींस रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी सबसे वेवलेंथ ज़्यादा है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। तो उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में द लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब रेड, ठीक है, सॉरी, द लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, वॉयलेट, ठीक है ना, वॉयलेट होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने बताया वेवलेंथ बढ़ रहा है, वॉयलेट सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होगी। तो वॉयलेट के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्टेड द मोस्ट। अब हमारे पास ऑप्शन दो ऑप्शन है कि एक्सेलरेट होती है या स्लो डाउन होती है, ठीक है, तो ऐसा है कि वेवलेंथ अगर कम हो तो स्पीड भी उसकी स्लो डाउन ज्यादा हो जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन है स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन मतलब ये होता है जब अपने सातों कंपोनेंट्स में लाइट टूट जाती है, तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है मतलब विबग्योर वाले एलिमेंट के साथ क्या होता है, तो विबग्योर वाले एलिमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाता है और स्पीड में कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा स्लो कर जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है आइस के मेल्टिंग से, तो आइस जब मेल्ट करता है तो उसके साथ क्या होता है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, वॉल्यूम या मास बोथ डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीजेज वाइल मास इंक्रीज। किसी भी हम लोग सॉलिड को जब सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन आइस एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, आइस जब मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। आप इस तरह से याद रखिएगा कि आइस एक्सेप्शन है, नॉर्मल कोई भी सॉलिड मेल्ट करेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लेकिन आइस एक्सेप्शन है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ डिवाइस विच इज यूज इन आवर टीवी सेट कंप्यूटर रेडियो सेट सेट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, याद रखिए कि कभी भी कैपेसिटर का यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी कहते हैं जो फैंस में यूज होता है, और उसका काम हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। विच टाइप ऑफ पेन यूजेस कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक। देखिए नॉर्मल पेन जो होती है वो ग्रेविटी के कारण चलती है, इंक जो होगा ऊपर से नीचे ट्रेवल करेगा और हम लोग लिख पाते हैं, लेकिन फाउंटेन पेन के साथ क्या होता है, उसमें कैपिलरी एक्शन को भी यूज किया जाता है इन एडिशन टू ग्रेविटी। विच टाइप ऑफ वट टाइप ऑफ लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइंग होता है, तो कॉन्वेक्स के बारे में हमने पहले ही बात की थी, कॉन्वेक्स ग्लास जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स ग्लास डाइवर्जिंग भी होता है, ठीक है, और मैग्नीफाइंग भी होता है, रियर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स ही यूज होता है। कंडक्टर्स हैव हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस या इंटरमीडिएट या अननोन, तो जो लो रेजिस्टेंस इनका होगा उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं, सो कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टार्स के से रिलेटेड, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा क्यों होता है, तो स्टार हमें ईस्ट टू वेस्ट इसलिए मूव करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि द अर्थ अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ के साथ बेसिकली दो फिनोमेना होते हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन, रिवॉल्व करता है वो सन के अराउंड और रोटेट करता है वो अपनी एक्सिस पे, तो अर्थ जब रोटेट करता है तो वो वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा, रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इस कारण स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट क्या कहते हैं मूव होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक स्टार हमारा सन भी है, ठीक है, सन हमेशा हमें क्या किस डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा होता है।
रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी सेम रिलेटेड क्वेश्चन है. रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई वॉज मैरी मैरी क्यूरी या अर्नेस्ट रदरफोर्ड या हेनरी बेक्यूरल या एनरिको फर्मी. इसमें एक कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि जैसा है वो मैरी क्यूरी शायद मैरी क्यूरी ने डिस्कवरी की थी. इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं. ठीक है. लाइट ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड इन. कभी भी लाइट क्वेश्चन है कि ग्लास में ट्रैवल करेगी फास्ट स्पीड पे, वाटर में, हाइड्रोजन में, वैक्यूम में. तो कभी भी कोई भी चीज़ फास्ट सबसे फास्ट स्पीड पे कब ट्रैवल कर पाएगी, जब सामने से उसको रुकावट कम आ रही हो. तो वैक्यूम में क्या होता है कि एकदम खाली होता है सामने, तो कोई भी फ्रिक्शनल या फ्रिक्शनल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता है जब लाइट चल रही होती है. तो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा होता, इसलिए लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है. जबकि ग्लास, वाटर और हाइड्रोजन में एनर्जी का लॉस होगा जब लाइट चलेगी, इसलिए वैक्यूम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है लाइट की. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक. देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक बहुत यूज़ होता है हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए, एज जानने के लिए. तो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक फॉसिल्स के एज को जानने के लिए बहुत यूज़ होता है. फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वही हुए जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये होते हैं फॉसिल्स. तो इनकी एज जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक की यूज़ होती है, क्योंकि ये फॉसिल्स भी बेसिकली कार्बन के ही डिकम्पोजिशन से बने होते हैं. ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम जब कार्बन डिकम्पोज होता है, तो इसलिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक से फॉसिल्स की एज को पता करते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टील बॉल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी डज नॉट सिंक. क्वेश्चन ये है कि मरकरी के सरफेस पे अगर स्टील बॉल को रखते हैं तो सिंक नहीं करता है, क्यों? कभी भी कोई भी चीज सिंक नीचे क्यों करता है? जब उसका वेट या बोले उसकी डेंसिटी जो है वो जिस चीज़ पे रखे हैं उससे ज़्यादा हो जाए. अगर आप एक पानी के लेयर पे एक भारी चीज़ रखते हैं तो वो नीचे चला जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है पानी से. तो स्टील बॉल जो है वो सरफेस, मरकरी के सरफेस पे रखने पे नीचे नहीं जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ है कि मरकरी का जो सरफेस है उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है स्टील से. पानी में वो नीचे चला जाता है क्योंकि पानी की डेंसिटी कम है, ठीक है, लेकिन वो मरकरी में नीचे नहीं जा पा रहा है. क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है स्टील से. अगला क्वेश्चन है यूनिट से रिलेटेड कि पास्कल किसकी यूनिट है. तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. थ्रस्ट, थ्रस्ट या फोर्स, थ्रस्ट को तो फोर्स कहते हैं, इसकी यूनिट होती है न्यूटन. फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज. कंडक्टिविटी हो गई रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है, और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल. तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन के लिए. थैंक यू वेरी मच.